हे फूडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना दूध बिना मावा, कम मेहनत और कम समय में सुपर सॉफ्ट परफेक्ट टेक्सचर में आज मैं बनाने वाली हूँ मथुरा के पेड़े। इस जन्माष्टमी में मैं बना रही हूँ कान्हा जी के प्रिय भोग मथुरा के पेड़े। तो मथुरा के पेड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई लिया है और गैस फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है। और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। घी जब मेल्ट हो जाएगी तभी हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर जो है वो काफ़ी हल्की होती है, तो किसी भी कंपनी का आप यहाँ पे मिल्क पाउडर आप यूज कर सकते हैं। और इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए ही हम मिक्स करेंगे। इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मिल्क पाउडर जो है कढ़ाई के तले में जाके चिपक जाएगी और इसमें जो है ना लम्स बनने लगते हैं, यानी कि गुठलियाँ बनने लगती है। तो गुठलियों को तोड़ते हुए ही हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो इसमें से अभी जो है 5 मिनट हुए हैं मुझे इसे चलाते हुए और इसका कलर हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। जहाँ ज़्यादा लग जाता है वहाँ पे जो है ज़्यादा ब्राउन कलर आ जाता है, तो उसी समय हम गुठलियाँ को अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे और एक साथ हम चलाते रहेंगे ताकि जो कलर जो है कहीं पे वाइट या कहीं पे ब्राउन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो 5 मिनट बाद मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी और ऐड किया है। देसी घी ऐड करने के बाद इसे और चला लेंगे क्योंकि ये कढ़ाई में चिपकने शुरू हो जाती है। अब यह गैस फ्लेम को हम यहाँ पे लो ही रखेंगे, तो लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है ब्राउन नहीं हो जाता है। जब तक ये हमारा मिल्क पाउडर जो है भून के तैयार होता है तब तक हम जान लेते हैं मथुरा के पेड़े की कहानी। एक बार की बात है, यशोदा मैया ने भट्टी पे दूध रखा था और वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गई थी और वो दूध को भूल गई। दूध अधिक समय तक पकता रहा और वो पक पक के खोया बन गया। और जब वो भट्टी बंद हो गई तब वो खोया अच्छे से भून गया था और उसका कलर ब्राउन हो गया था और यशोदा मैया ने उसमें भूरा डाला और बन गया पेड़ा। तो ये थी हमारी पेड़ा बनने की कहानी। तो जब तक ये हमने आपको ये कहानी बताई तब तक जो है हमारे मिल्क पाउडर का कलर जो है वो और ब्राउन हो गया है। तो इसे मैंने अच्छा मतलब 12 से 15 मिनट तक मैंने इसे भुना है, तो ये कलर हमारा जो है अच्छा ब्राउन कलर ये हमें मिल गया है। इससे ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे, अगर इससे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो ये परफेक्ट टेक्स्चर का हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध को ज़्यादा हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी ना, जितनी क्वांटिटी की, ताकि ये जो है इकट्ठा हो जाए, बस इतना ही दूध इसमें ऐड करना है। तो इसमें मैंने 1/4 कप दूध ही मुझे यहाँ पे लगा है, थोड़ा सा दूध मैंने यहाँ पे डाला है और ये अच्छी तरीके से बंध गई है। तो ये हमारा परफेक्ट टेक्सचर का जो मावा है, यानी कि मिल्क पाउडर का जो मावा है वो बन के तैयार हो गया है। तो अब तैयार होने के बाद मैंने इसे गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया था और इसे अच्छी तरीके से हमने ठंडा कर लिया है। आप इस मावे का भी आप इसी समय पेड़े बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें भूरा ऐड कीजिए या तगार ऐड कीजिए और इसे पेड़े का शेप दे सकते हैं। लेकिन इसे जो पेड़ा बनेगा ना वो थोड़ा सा दानेदार बनेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्मूथ टेक्स्चर का पेड़ा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर जार लिया है और उसमें इस मावे को मैंने ऐड किया है और इसे पल्स मोड पर हम चला लेंगे, यानी कि थोड़ी देर से 1 मिनट के लिए हम इसे चला लेंगे ताकि मावा जो है वो स्मूथ हो जाए। तो 1 मिनट चलाने के बाद जो है देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना स्मूथ बन के तैयार हो गया, जितना मुझे स्मूथ चाहिए। तो अब मैं इसे एक थाली या परात में निकाल लेंगे और सारे मावे को इसी तरीके से पल्स मोड में मैंने चला के यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो मावा जो यहाँ पिसकी है तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैंने डाला है 1 चम्मच इलायची पाउडर। अब इसमें जो है मैं डाल रही हूँ जायफल को यहाँ पे क्रश करके डालेंगे, तो इससे इसका टेस्ट भी जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए इलायची पाउडर और जायफल दोनों का इस्तेमाल किया। दोनों का इस्तेमाल करने से पेड़े का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच तगार।
तगार जो है आपको मार्केट में भी रेडीमेड मिल जाती है। अब तीन चम्मच, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीन चम्मच इसलिए ऐड किया क्योंकि मिल्क पाउडर का मैंने बनाया है, तो मिल्क पाउडर जो है वो ऑलरेडी मीठी होती है, तो आप अगर चाहते हैं तो यहाँ मीठी की क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तगार डालने के बाद इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद इसमें से जिस भी शेप या साइज का आप यहाँ पेड़ा बनाना चाहते हैं उस साइज का आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है और इसे थोड़ा सा टैप कर लिया है, थोड़ा सा मथुर के पेड़े का मैंने यहाँ पे शेप दिया है। इसे मैंने थोड़ा सा मुट्ठी में इस तरीके से थोड़ा सा राउंड किया, हल्का सा चपटा किया और थाली में इसे थोड़ा सा रख दिया और फिंगर से हल्का सा इसे प्रेस कर दिया और आगे पीछे घुमा दिया, तो ये मथुरा के पेड़े का जो शेप होता है ना वो शेप हमें मिल गई है। और इसे हमने इसे तगार से कोट कर दिया है, इसके ऊपर तगार लगा दिया है, तो ये जो हमारा है मथुरा के पेड़े बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस जन्माष्टमी कान्हा जी का प्रिय भोग मथुरा के पेड़े आप भी बनाएं। आप यकीन मानिए ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुई है और इस टेस्ट में भी काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस बनी है। बिल्कुल मथुरा के पेड़े का ही टेस्ट आया है, ये काफ़ी टेस्टी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।